नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के अंक में। मैं हूं दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर बीजेपी सरकार पर जाहिर किया संशय। प्रचार के दौरान लोगों की बीजेपी सरकार के प्रति देखने को मिली की मायूसी, कहा अनीता वर्मा ने। त्योहारी सीजन के चलते हमीरपुर में जिला फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने दुकानों पर दी दबिश। गांधी चौक से लेकर भोटा चौक तक करीब 2 दर्जन दुकानों को किया चेक। एक ढाबा मालिक का लाइसेंस किया सस्पेंड। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हमीर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। 125 से अधिक नए उद्यमी आवेदकों व पुराने उद्यमी तथा जिला के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। हमीरपुर शहर में चल रहे सड़क मरम्मत कार्य का धीमी गति से होने से दुकानदार गुजर रहे हैं मंदी के दौर से। सड़क काम को लेकर बजरी, रेता और टैंकर के सड़क किनारे खड़े करने से वाहनों की आवाजाही हो रही है प्रभावित।